मॉडुलस का प्रॉपर्टीज ये सब बताए थे। मॉडुलस का इनइक्वालिटी थोड़ा सा देख लेते हैं ना। मॉडुलस का इनइक्वालिटी क्या होता है देख लो। अगर लिखा हुआ है कहीं मॉड एक्स ग्रेटर देन टू, ऐसा लिखा हुआ है मॉड एक्स ग्रेटर देन टू, जैसे मॉड एक्स इक्वल टू टू था तो प्लस माइनस टू होता था एक्स, इस बार क्या है मॉड एक्स ग्रेटर देन टू। और इसी तरह तीन देखेंगे मॉड एक्स लेस देन टू, और फिर उसी तरह मॉड एक्स ग्रेटर देन माइनस टू, फिर एक देखेंगे मॉड एक्स लेस देन माइनस टू। ये चार इनइक्वालिटी के बारे में देखेंगे और इसी से हम लोग जनरलाइज कर लेंगे। जनरलाइज कहने का मतलब कि टू की जगह कोई भी कांस्टेंट के रह सकता है, एक्स की जगह कुछ भी फंक्शन एफ एक्स रह सकता है। उसी तरह यहाँ से मॉड एक्स ग्रेटर देन टू का मतलब क्या हुआ है ना, जैसे मॉड एक्स का मान अगर टू के बराबर होता तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स हम करते थे, तो क्या बोलते थे एक्स का वैल्यू प्लस माइनस टू होना चाहिए, ऐसा बोलते थे ना। अगर मॉड एक्स ग्रेटर देन टू है तो क्या हम ऐसा बोलेंगे, क्या मॉड एक्स ग्रेटर देन टू तो एक्स ग्रेटर देन प्लस माइनस टू, ऐसा बोल सकते हैं क्या? तो ये नहीं करना है, ठीक ना, ये गलत हो जाएगा, हम लोग ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे। मॉड एक्स ग्रेटर देन टू का मतलब एक्स ग्रेटर देन प्लस माइनस टू नहीं होगा, है ना, एक्स ग्रेटर देन प्लस माइनस टू ये गलत हो जाएगा, ये गलत तरीका। जब इक्वल टू होगा तभी वैसा सोचेंगे, मॉड एक्स इक्वल टू टू है तो एक्स का वैल्यू प्लस माइनस टू, जब इक्वल टू होगा तब इनइक्वालिटी में चेंज हो जाता है चीजें, है ना। क्या चेंज होता है तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, तो मॉड एक्स अगर ग्रेटर देन टू है तो एक्स या तो टू से बड़ा होगा या नहीं तो एक्स लेस देन माइनस टू, ऐसे लिखना होगा। मॉड एक्स अगर ग्रेटर देन टू है तो एक्स का वैल्यू या तो टू से बड़ा होगा या नहीं तो एक्स का वैल्यू माइनस टू से छोटा होगा, समझ में आया क्या? तो करेंगे कैसे, तो इसको समझने के लिए ये तो याद रखेंगे, इसको समझने के लिए क्या है कि मॉड एक्स का एक ग्राफ है, ठीक ना, मॉड एक्स का ग्राफ बता चुके हैं, वी से ओरिजिन पे इसका वर्टेक्स बनेगा, है ना, कॉर्नर, ये हो जाएगा एक्स और ये हो जाएगा वाई। मॉड एक्स ये वाई इजिकल टू टू, ये भी समझा चुके हैं, ये जो कट किया ये तो क्या आएगा टू, और यहाँ पे जो कट किया ये क्या आएगा माइनस टू, तभी ना दो सॉल्यूशन निकलता था मॉड एक्स का वैल्यू। अब हमें क्या चाहिए, मॉड एक्स ग्रेटर देन टू। ग्रेटर जब भी ग्राफ में देखते हैं तो ग्रेटर का मतलब क्या होता है, ग्रेटर का मतलब होता है कि वो ग्राफ उससे क्या होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए। ग्रेटर का मतलब क्या होगा, ग्राफ क्या होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए। y एक्सिस में ऊपर जाएंगे तब ना बड़ा वैल्यू मिलेगा, और y एक्सिस में नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा, छोटा वैल्यू मिलेगा। तो मॉड x का वैल्यू, मॉड x ये ग्राफ है, इसका वैल्यू टू से बड़ा है, टू से बड़ा मतलब टू से हमें कौन सा ग्राफ चाहिए, ऊपर ना, ऊपर वाला पोर्शन कौन सा दिख जाएगा मॉड x का, देखो तो ये वाला दिखेगा क्या जो हम कट कर रहे हैं, ये वाला दिख जाएगा, क्योंकि यहाँ टू के नीचे देखो यहाँ पे ये सब तो टू से कम वैल्यू वाला आ गया ना, और हमें क्या चाहिए मॉड एक्स का ग्राफ कहाँ चाहिए, ऊपर चाहिए, किससे, टू से, या तो इधर वाला पार्ट मिलेगा या तो इधर वाला पार्ट मिलेगा। तो ये वाला पार्ट कौन सा है, माइनस इंफिनिटी से माइनस टू तक आ जाएगा क्या, और उसी तरह ये टू से इंफिनिटी, तो वही देखो माइनस टू से छोटा का मतलब क्या हो गया, माइनस इंफिनिटी से माइनस टू, टू से बड़ा का मतलब क्या हो गया, टू से लेके इंफिनिटी, तो ये ऐसे सोचेंगे। उसी तरह इसमें देखो मॉड एक्स लेस देन टू है तो इसको कैसे लिखेंगे, माइनस टू लेस देन एक्स लेस देन टू, यानी कि माइनस टू से टू के बीच में, इसी ग्राफ में तुम देख लोगे मॉड एक्स क्या चाहिए तुम्हें, टू से छोटा चाहिए, छोटा कैसे मिलेगा, जो इस ग्राफ से नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया वाई का वैल्यू टू, ये हो गया मॉड एक्स, इधर वाला पोर्शन तो बड़ा है, इधर वाला पोर्शन भी बड़ा है, तो छोटा कौन सा हो गया, यही बीच वाला ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि माइनस टू से टू। अब देखो ये क्या है, मॉड एक्स ग्रेटर देन माइनस टू, ग्रेटर देन माइनस टू कहने का मतलब मॉड एक्स का ग्राफ अगर हम बनाए तो मॉड एक्स का ग्राफ तो ऐसे बनेगा, ये हो गया x और ये हो गया y, तो माइनस टू तो ये है ना, y इक्वल टू माइनस टू। अब क्या कह रहा है कि मॉड x क्या होना चाहिए, माइनस टू से बड़ा, और बड़ा का मतलब क्या ग्राफ में हो गया, ऊपर, तो हमेशा ऊपर है क्या, देखो तो माइनस टू से हमेशा है ना ये ग्राफ, कहीं भी ऐसा कोई पोर्शन है जहां पे कि ऊपर है कहीं नीचे है, ऐसा तो नहीं है, ये हमेशा बड़ा है। वैसे भी तुम जानते हो मॉड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव और माइनस टू तो नेगेटिव हो गया, तो पॉजिटिव वैल्यू हमेशा नेगेटिव वैल्यू से बड़ा होगा, होगा ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स का हर एक वैल्यू, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू आर, हर एक वैल्यू, यहाँ देखो मॉड एक्स लेस देन माइनस टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू
फाई, फाई हम लोग किसको बोलते हैं, तो एनी वैल्यू ऑफ एक्स। ये बात समझा क्या क्यों लिखे हैं ऐसा? क्योंकि हम कह रहे हैं कि मॉड एक्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और माइनस टू क्या होता है, निगेटिव होता है। तो कोई भी पॉजिटिव वैल्यू निगेटिव से छोटा होगा क्या? नहीं होगा। एक्स का ऐसा कोई वैल्यू नहीं है जो माइनस टू से छोटा कर दे या उससे ये कर दे। और उसी तरह माइनस टू से छोटा मतलब क्या हो गया, माइनस टू से नीचे। इसका ग्राफ तो हमेशा ऊपर है ना, नीचे मिलेगा ही नहीं। समझ में आया क्या? अब इसको जनरलाइज कर लेते हैं। जनरलाइज करने का मतलब ये है कि अगर मॉड एफ एक्स, एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है, मॉड एफ एक्स कोई भी मान लो के है, और के क्या है, पॉजिटिव है, ठीक ना। तो किसी पॉजिटिव नंबर से ग्रेटर अगर बोला है, और इससे पहले हम क्या पढ़े थे, मॉड ऑफ एफ एक्स इजकल टू के, है ना। अभी हम के पॉजिटिव के लिए देख रहे हैं, तो मॉड एक्स, मॉड एफ एक्स इजकल टू के होता था, तो एफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाता था बोलो, प्लस माइनस के होता था क्या? ठीक है, अभी हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे कि एफ एक्स का वैल्यू या तो के से बड़ा होगा, या नहीं तो एफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस के से छोटा हो जाएगा। हो जाएगा ऐसा, या तो के से बड़ा या तो माइनस के से छोटा, वही है। और फिर हम लोग देखते हैं मॉड एफ एक्स लेस देन के, लेस देन के मतलब अभी भी के पॉजिटिव है, हम ये ध्यान में रख के चल रहे हैं। के पॉजिटिव मतलब तुम्हारा दिमाग कहाँ पे जाना चाहिए, टू पे जाना चाहिए। तो मॉड एफ एक्स लेस देन टू, क्या बोला, माइनस टू से टू के बीच में होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस छोटा होगा किससे, एफ एक्स से, और ये छोटा हो जाएगा किससे, टू से। ऐसा समझ सकते हो ना, ये बात समझ सकते हो? ठीक, अब देखो अगर नेगेटिव आ जाए, इफ के इज नेगेटिव, तो अगर हम एफ एक्स इक्वल टू के लिखते हैं तो क्या बोले थे, मॉड एफ एक्स अगर के है तो क्या बोलते हैं, नो सॉल्यूशन बोलते थे क्या, के नेगेटिव याद करो, एफ एक्स इक्वल टू माइनस टू या मॉड एक्स इक्वल टू माइनस टू क्या बोलते हैं, नो सॉल्यूशन था। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं कि एफ एक्स का वैल्यू अगर ग्रेटर देन के है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x belongs to real, ऐसे ये वाला केस है क्या, mod x greater than minus 2, यहाँ पे k क्या लिया, negative, तो negative values हमेशा mod क्या होगा, पता नहीं होगा, क्योंकि वो हमेशा positive value देगा। और उसी तरह से अगर हम mod fx less than k बोलते हैं, क्या आ जाएगा, no solution, ऐसा हो जाएगा क्या, कौन वाला केस, ग्रेटर वाला में हमेशा एक्स का रियल वैल्यू होगा, क्यों, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव वैल्यू निगेटिव वैल्यू से बड़ा होता है। और जब यहाँ पे ध्यान रखना है, जब पॉजिटिव वैल्यू के बराबर है तो दो वैल्यू आएगा, एक प्लस माइनस, जब ग्रेटर है तो एफ एक्स ग्रेटर देन के, या नहीं तो एफ एक्स लेस देन माइनस के, और जब लेस देन है तो वो माइनस टू और टू के बीच में, माइनस के टू के, ये देना पड़ेगा, क्योंकि हम के लेके चल रहे हैं ना, टू तो यहाँ लेके चल रहे हैं, तो यहां पे के लेके चल रहे हैं, तो नोट कर लो इसको। क्वेश्चन भी दिए थे क्या पिछले क्लास में कुछ? नहीं नहीं बुकलेट देना।
इसको नींद आ रहा है रे, पूरा जमाई ले रहा है। लास्ट क्लास है ना ये, इसके बाद घर ही जाना है ना। अच्छा जाना, खा पी के सो जाना, यहाँ क्यों सो रहा है? अब मास्क के अंदर से ले रहा है, पता भी नहीं चल रहा है कौन ले रहा है। नोट कर लिया क्या? इधर कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। इधर तो कर ही लिया होगा, यहीं से शुरू किया है ना, उधर से नहीं किया है। मान लो इतना समझा है तो इस पे क्वेश्चन कर लो बस छोटा सा। सॉल्व फोर एक्स, मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लेस देन टू, मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लेस देन टू। ये थोड़ा इससे पहले इधर लिख लिया ना, अब नीचे वाला ये तो मिटा दिए। क्या था यहाँ पे? एफ एक्स इक्वल टू के है ना, ये सब क्या है? के पॉजिटिव हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहले दूसरा नंबर सॉल्व करो, x माइनस वन, ये वाला सॉल्व करो तो ये थोड़ा सा आसान हो सकता है तुम्हारे लिए। इजिकल टू टू, मॉडुलस ऑफ मॉडुलस x माइनस वन प्लस वन इजिकल टू टू, ऐसा लिखा हुआ है। इसको अभी रहने देना, सबसे दूसरा नंबर किसी का आंसर नहीं आ रहा अभी तक, क्या बात है? बनाया x इक्वल टू प्लस माइनस टू सर, x इक्वल टू प्लस माइनस टू, एक आंसर आया है तुम लोग से ऑनलाइन। तुम लोग जी, तुम तो पूरा हथियार डाल देता है सर्वे में, एकदम बैठा आराम से, जब लिखिएगा लिखाइएगा तब बनाएंगे। बनाओ इसको, इसमें क्या है? इसको सोचना ही तो है। क्या सोचना है? मॉडुलस लगा हुआ है, कैसे सॉल्व करें? मॉड है, सबसे बाहर में मॉड है, पहले बाहर वाले जैसे ब्रैकेट, चार ब्रैकेट रहता है तो कैसे सॉल्व करते हो? ब्रैकेट टू ब्रैकेट सॉल्व करते हैं ना, तो मॉडुलस है तो बाहर वाला मॉडुलस के लिए सॉल्व करेंगे। तो बाहर वाला मॉडुलस हटेगा तो यहाँ पे टू है, पॉजिटिव नंबर है, तो क्या आएगा? प्लस माइनस टू आएगा या नहीं आएगा? आएगा ना। फिर चलो देखो, इधर देखो सब लोग, ये मॉडुलस है और ये मॉड के अंदर में कुछ चीजें हैं। मान लो ये पूरा पूरा वाई रहता, सपोज करो ये वाई है, क्या है वाई? एक्स इक्वल टू टू, ठीक, और एक एक्स इक्वल टू जीरो बता रहा है। दो आंसर आया, देख लेते हैं, और एक आंसर ऑनलाइन थ्री मतलब प्लस माइनस टू, तीनों से कौन सा आंसर सही है? मान लो ये y होता, मुझे तो समझाना है, पहले मैं ऐसे समझा रहा हूँ। मान लो ये पूरा का पूरा मॉड के अंदर y होता, मान लो, तो क्या लिखा हुआ है? ये सिंपल लिखा हुआ है क्या? मॉड y इक्वल टू टू, और मॉड y इक्वल टू टू लिखा है तो y का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? प्लस माइनस टू, तो y इक्वल टू यहां से क्या आएगा? प्लस माइनस टू। लेकिन y हम माने है ना, हमको तो x तक पहुंचना है, फिर जिसको मानते हैं उसको पुट करते हैं ना, तो y किसको माने? मॉडुलस ऑफ x माइनस वन प्लस
वन इज इक्वल टू टू, या नहीं तो मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन प्लस वन इज इक्वल टू माइनस टू, क्या ऐसा लिखा हुआ है क्या? तो पहले किसको ब्रेक करोगे? मॉडुलस को तो अभी नहीं कर सकते, अभी बीच में यहां भी है ना वन, तो वन को उधर भेज सकते हैं या नहीं? तो यहां से क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन इज इक्वल टू वन, और ये क्या लिखा है, मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ, माइनस वन ना, माइनस थ्री, माइनस थ्री। अब यहां इसको देख के क्या लग रहा है, लग रहा है ना जी, नो सोल्यूशन, मॉड पॉजिटिव उधर कोई निगेटिव है, नो सोल्यूशन, वो खत्म हो गया, उसका तो काम ही खत्म हो गया वहां से। अब आ जाओ यहाँ पे, मॉड एक्स माइनस वन का वैल्यू क्या है, वन ना, तो क्या एक्स माइनस वन का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस वन, तो एक्स माइनस वन का वैल्यू एक तो वन होगा, यानी तो एक्स माइनस वन का वैल्यू क्या होगा, माइनस वन। तो जब वन उधर जाएगा तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, टू होगा, या नहीं तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा क्या, माइनस वन उधर जाएगा। तो सब आंसर है इस बोर्ड पे, लेकिन कोई एक साथ आंसर सही नहीं बताया है, टू भी है और जीरो है, एक तो टू होगा और दूसरा जीरो होगा, दोनों अलग अलग लोग बताया है, जीरो टू आया था, तब सही है, तो एक्स का वैल्यू जीरो एंड टू। केस बनाएंगे तो यहाँ एक्स पे बात नहीं बनेगा ना, यहाँ पे मॉड के अंदर सिर्फ एक्स नहीं है, मॉड के अंदर ये पूरा पूरा चीज है ना। मैंने समझाया था कि मॉड के अंदर की चीजें अगर एक्स हो तब एक्स पॉजिटिव, एक्स माइनस वन आ जाए तो एक्स माइनस वन पॉजिटिव, ऐसा करके लिखवाया था। इस बार तो अगर देखोगे तो एक्स माइनस वन प्लस वन भी है, ठीक ना। तो केस वहां बनाते हैं जहाँ कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो काम करने का, ठीक ना। यहाँ पे तो आसानी से दिख रहा है, इधर टू है सर, प्लस माइनस हो ही जाएगा, अलग अलग बन जाएगा सब इस तरीके से, ठीक है। पहले ये लिख लो, अभी पहला रहने दो, मैं और एक क्वेश्चन इस पे करवा देता हूं, ठीक ना। x mod x इक्वल टू फोर, इसको सॉल्व करना, अभी इक्वलिटी का हम करवा दे रहे हैं क्वेश्चन एक दो, फिर उसके बाद इनइक्वलिटी पे आएंगे। तीसरा क्वेश्चन होगा ना, x mod x इक्वल टू फोर सॉल्व करना है। फोर और प्लस माइनस, तो फिर अंतर क्या, प्लस माइनस फोर ही बोल देता सिर्फ, है ना। देखते हैं, अच्छा एक बात है, जब सॉल्यूशन आ जाए तो वो सही है कि नहीं चेक कर सकते हैं इक्वेशन में डाल के, कर सकते हैं ना, तुम अपना आंसर चेक करो जरा। टू और माइनस टू, ठीक है, तुम अपना भी आंसर एक बार चेक करना, सही है नहीं, माइनस टू चेक करना। इसमें चेक कैसे करते हो, इसमें पुट करके करते हो या ना, माइनस टू पुट करो तो इसमें आ रहा है क्या, एलएचएस आ रहा है बराबर, कैसे आ रहा है, एक्स का वैल्यू टू, एक्स का वैल्यू टू आ रहा है, ठीक। तुम लोग जी कुछ बताओगे, x इक्वल टू टू सर, x टू टू, ठीक है, तीन लोग, प्लस माइनस टू जो है ना, माइनस टू इसको नहीं करेगा सेटिस्फाई, वो मैं दिखाता हूँ कैसे नहीं करेगा, ठीक ना। माइनस टू क्या कर देगा, माइनस फोर कर देगा, है ना, माइनस टू रखोगे तो माइनस टू इंटू मॉडुलस ऑफ माइनस टू, तो माइनस टू तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो माइनस फोर हो गया, एल एच एस माइनस फोर आर एच एस फोर, तो बराबर तो नहीं होगा, है ना। अब फोर रख दोगे तो ये तो सिक्सटीन हो जाएगा, फोर तो नहीं आएगा, ठीक ना। अब देखो इसको,
इसको कैसे सॉल्व करते हैं? अब देखो इस बार क्या है कि अब डायरेक्ट ऐसा नहीं लिख सकते कि x into this is equal to plus minus 4, अभी लिख सकते हैं क्या? कैसे बनाया है क्वेश्चन? डायरेक्ट प्लस माइनस 4 करके बनाया है क्या? केस करके बनाया ना? ठीक, इस बार हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। रीजन क्या है बताओ? रीजन क्या है कि कुछ जगह मॉड है, कुछ जगह है ही नहीं। ये ओवरऑल मॉड होता तब हम यहाँ प्लस माइनस 4 करते हैं ना, समझ में आया क्या? अगर ऐसा कुछ रहता एक्स मॉड एक्स फिर मॉड रहता तब हम इस मॉड को हटाने के लिए प्लस माइनस 4 कर सकते थे, समझ में आया ये बात? इस बार क्या है, एक जगह मॉड है एक जगह एक्स है, खाली है, और वो अलग अलग है नहीं, एक ही में मल्टीप्लाई है। तो एक जगह एक्स हो एक जगह मॉड एक्स हो और वो पता नहीं चल रहा है कि कैसे होगा, तो हम लोग क्या लेके चलेंगे, केस लेके चलेंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था। यहाँ तो डायरेक्ट पता चल रहा है ना, सब तो एक जगह मॉड में है उसके बाद हो गया था, यहाँ पे पता नहीं चल रहा है। तब जब पता नहीं चलेगा तो हम क्या लेके चलेंगे, केस लेके चलेंगे। तो केस क्या लेते हैं हम लोग, दो केस लेते हैं मॉड को हटाने का, दो केस लेते हैं क्या? क्वेश्चन सॉल्व करवाया है ना जी तुम लोग को। पहला केस क्या है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पॉजिटिव लेते हैं, और पॉजिटिव जैसे ही लेते हैं तो मॉड x क्या बन जाता है, x बन जाता है क्या, मॉड x क्या बन जाता है, x। और यहाँ पे क्या जाएगा, x तो पहले से था, मॉड x x बन गया और ये 4 हो गया, तो एक्स स्क्वायर 4 हो गया, 4 इधर आएगा, अल्फा मतलब फैक्टराइजेशन करोगे और x का वैल्यू क्या जाएगा, प्लस माइनस 2 ऐसा आएगा। लेकिन केस हम क्या लेके चले, पॉजिटिव ना, इसलिए क्या चले, तो जैसे ही पॉजिटिव ले गए तो माइनस 2 क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा क्या, रिजेक्ट। समझ में आया क्या, ये केस का ये महत्व है कि कुछ वैल्यू आएगा कुछ वैल्यू नहीं आएगा। माइनस 2 क्यों रिजेक्ट किए, तो रीजन क्या है कि हम लेके चले हैं कि एक्स क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, और निगेटिव तो रिजेक्ट होगा, 2 तो आंसर आएगा। ठीक, यहां से 2 आ गया आंसर। अब दूसरा केस लेके चलेंगे एक्स निगेटिव का। जैसे ही x निगेटिव लेंगे तो मॉड x का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस x ना, तो माइनस x कहने का मतलब x इंटू माइनस x इक्वल टू, यानी माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 4 एक तरफ ले जाएंगे तो x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 ऐसा आएगा क्या। और x स्क्वायर प्लस 4 मैंने और भी समझाया कि ये पॉजिटिव है, उसमें कुछ ऐड करेंगे तो पॉजिटिव होगा, 0 कभी होगा क्या, ये कभी 0 हो सकता है, नहीं हो सकता ना। यहां से क्या आ जाएगा, नो रियल वैल्यू ऑफ x। ये बात समझा, ये वाला समझ रहा है बात, यहां से तो कोई सॉल्यूशन नहीं आया, यहां से कितना सॉल्यूशन आया, एक, और वो सॉल्यूशन क्या है, x का वैल्यू 2। ठीक है, माइनस 2 रिजेक्ट हो गया, माइनस 2 सेटिस्फाई भी नहीं करेगा। ठीक है, तो देयरफॉर यहां से क्या जाएगा, फाइनल सॉल्यूशन x इक्वल टू 2। ठीक है, नोट कर लो, कर लिया। दोनों कर लिया केस, इसमें बहुत आगे है तुम लोग, लेकिन मेरा लिखा होता नहीं, तुम लोग का भी हो जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन बताए थे ना मॉडुलस वाला पीछे भी केस लेके, यही चीज ऐसे रहता तो x प्लस x इक्वल टू 4। आंसर बताओ, x इक्वल टू 2। क्या किया तुम, मॉड एक्स को एक्स कैसे लिख दिया, अच्छा एक्स पॉजिटिव लेके चला, तो दूसरा केस, अरे जब भी ब्रेक करेंगे तो दोनों लेके चलेंगे, नहीं तो फिर एक्स प्लस एक्स लिख के चल जाते है ना। तुमने इसको एक्स लिखा जब एक्स पॉजिटिव है तब ना, दूसरा केस भी तो होगा, टू
टू तो पहला केस से निकल गया, दूसरा केस से फाइव, नो सॉल्यूशन आएगा है ना। ठीक तो है, अपने x निकालने चले थे, x माइनस x टू सर, x इक्वल टू टू आएगा आंसर। x माइनस x आ गया तो सर x तो खत्म हो गया है ना, तो करें तो करें क्या। तो देखो तो करें क्या, देखो x का वैल्यू जीरो आ जाएगा वहां, इधर जीरो आ जाएगा LHS में, तो जीरो आ गया इक्वल टू उधर क्या है फोर ना, तो कभी ऐसा होता है क्या, जब हम x पॉजिटिव लेके चलेंगे तो मॉड x का वैल्यू क्या आ जाएगा x, तो x प्लस x का वैल्यू 4 है, यानी कि 2x का वैल्यू 4, x का वैल्यू 2। केस 2 लेके चलेंगे, जब x निगेटिव है तो मॉड x का वैल्यू माइनस x हो जाएगा, और x माइनस x इजकल टू 4 आ गया, यानी कि 0 इजकल टू 4, ये पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो जब पॉसिबल नहीं है तब इसका मतलब क्या है कि x का कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है। किस रेंज में, किस रेंज में x निगेटिव, क्योंकि हम ये केस लेके चल रहे हैं तब ना ऐसा आया है, तो x के निगेटिव वैल्यू के लिए ऐसा कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है, यहां से नो सॉल्यूशन, इस केस से नो वैल्यू, तो कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, तो फिर यहां से क्या आएगा फाइनल सॉल्यूशन, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 विल बी द आंसर, क्योंकि केस का सॉल्यूशन इंटरसेक्शन नहीं होता, केस का सॉल्यूशन क्या होता है यूनियन होता है, यहां से जो आया, यहां से जो आया, यहां नहीं भी मिला तब भी यहां का सॉल्यूशन होता है ना, यहां और दूसरा आ गया सबको मिला देते हैं, मान लो यहां पे आ जाता 3 तो 2 और 3 हो जाता है आंसर, ठीक ना, ऐसा कुछ होता तो नहीं आया तो ठीक है इसको रिजेक्ट किया, यहां का आंसर आ गया, ठीक, जो भी हो वो एक एग्जांपल था है ना, कि कुछ भी यहां आए तो ये यहां से हमें कंसीडर कर लेना है, ठीक है, नोट तो कर ही लिया होगा, पूछने वाली बात तो है नहीं, बना लिया था, ठीक। मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 लेस देन 2, सिंपल सिंपल छोटा सा सवाल दे रहे हैं, समझ पाओ इस तरीके को। इस बार क्या है इक्वल टू नहीं है, इस बार क्या है इनिक्वलिटी है, तो इनिक्वलिटी है तो आज पढ़े हैं इनिक्वलिटी का कंसेप्ट, तो वो लगेगा, ठीक ना, इनिक्वलिटी का कंसेप्ट जो पढ़े हैं क्या था लेस देन 2, यही एग्जांपल भी दिए थे 2 से ही छोटा, जिस समय 2 से छोटा होता है देख लो इधर, तो 2 से छोटा होता है कोई भी मॉड, तो मॉड के अंदर की चीजें माइनस 2 से 2 हो जाएगा क्या, यही लिखवाए हैं देखो ना, मॉड ऑफ एफ एक्स लेस देन 2 या मॉड ऑफ एफ एक्स लेस देन के, इस तरह से लिखवाया गया है, अगर किसी पॉजिटिव नंबर से छोटा है तो वो माइनस से लेके प्लस के बीच में आ जाएगा, इस बार मॉड के अंदर सिर्फ x नहीं है, क्या है x माइनस 1 है, इसलिए x माइनस 1 यहाँ जो रहेगा वो यहाँ रहेगा, ठीक है, बाकी कंसीडर वही रहेगा। तो अब x माइनस 1 ये इनइक्वलिटी आ गया, इनइक्वलिटी तो हम पढ़ा चुके हैं कैसे सॉल्व करना है, पढ़ा है ना, क्योंकि हमें तो x निकालना है, यहाँ माइनस 1 है तो फिर क्या करेंगे 1 ऐड करेंगे ना दोनों तरफ, तो जैसे ही 1 ऐड करेंगे तो यहाँ क्या जाएगा माइनस 2 प्लस 1, ये तो माइनस 1 कट जाएगा, 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा माइनस 1 टू 3, तो बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा ओपन इंटरवल माइनस 1 टू 3, ठीक है, लिख तो लिया ही होगा, माइनस 2 कर देते हैं, अब बताओ इसको देख के ही बताना है, बनाना नहीं है, कलम नहीं चलाना है, नो सॉल्यूशन, क्योंकि मॉड क्या है पॉजिटिव है, इधर क्या है नेगेटिव है, तो कभी भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका कोई रियल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा, ग्रेटर देन माइनस 2, एक्स का कोई भी रियल वैल्यू, क्योंकि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर हमेशा नेगेटिव से बड़ा ही होता है, क्लियर है इतना, अच्छा तुम लोग लिख लिया था कि नहीं, तुम लोग बोलता भी नहीं है कुछ लग रहा है, लिख लिया था ना, यस लिख लिया था, लिख लिया, ठीक, मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस 1
का मॉडुलस। अब तो ये इस पे आ जाओ है ना, इस वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। चलो देखो, मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लेस देन टू, सब चीज वही है, लेस देन भी है, यहाँ पॉजिटिव नंबर भी है, बस मॉड के जो बदला है वो क्या बदला है, मॉड के अंदर की चीजें, और मॉड के अंदर की चीजें बदल भी जाए तब भी तो उसको उसी तरह कंसीडर करना है। ये कहां से कहां तक हो जाएगा, सबसे पहले मॉड हटा देंगे माइनस टू से टू, सबसे पहले यहीं से स्टार्ट होगा। अब इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया था क्या, डबल इनिक्विटी रहेगा तो इसको क्या बोलते हैं, डबल इनिक्विटी बोलते हैं ना। तो डबल इनिक्विटी को कैसे सॉल्व करते हैं, तो दो पार्ट में, एक एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये वाला पार्ट यहां समझ लो अब, है ना, समझने वाला इसलिए इसको रोक के रखे थे। ठीक है, अभी तक हमने जितना भी देखा वो क्या था, ये सिंगल इनइक्वालिटी है, ये कितना हो गया, डबल इनइक्वालिटी हो गया। इसको कैसे ब्रेक करते हैं, कैसे सोचते हैं, इसके बारे में हम तुम्हें समझा रहे हैं, थ्योरी टाइप से याद रखना, ठीक ना। डबल इनइक्वालिटी जब इनइक्वालिटी पढ़ा रहे होंगे तभी ऐसे लिखे होंगे, ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी, वहां बताए भी होंगे कैसे पढ़ा भी जाएगा, है ना, ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी। तो ब्रेक कैसे होता है, ये दो पार्ट में, ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी, इसको अलग सॉल्व करते हैं, इसको अलग अलग सॉल्व करते हैं, क्योंकि इनइक्वालिटी जो हमने वेविकर में देखा था वो तो सिंगल इनइक्वालिटी देखा था, इसको अलग सॉल्व करते हैं, इसको अलग सॉल्व करते हैं, बीच में क्या लगा हुआ है, एंड, एंड मतलब इंटरसेक्शन, कॉमन वैल्यू लेते हैं, क्या लेते हैं, कॉमन वैल्यू, क्लियर है इतना, ठीक। इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे, अच्छा इसको सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान से, यहां ध्यान से देखो, लिखने पे नहीं रहो अभी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू लेस देन जीरो, अरे बोले लिखने पर मत रहो, देखो एकदम एक एक लाइन देखो, इधर कलम छोड़ दो, देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, वेवी कर्व टाइप का आ गया क्या, लेसन जीरो है, फैक्टराइज करेंगे, रूट निकालेंगे, प्लस माइनस देखेंगे, यही काम करना है ना, ठीक। क्या इसका फैक्टराइजेशन है पॉसिबल, बोल यस और नो, है फैक्टराइजेशन, कैसे समझते हैं कि है, जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो तो हम समझ जाते हैं कि उसका कोई रूट होगा, तो रूट होगा तो फैक्टराइजेशन होगा, समझ में आया क्या, चाहे इरेशनल हो या रेशनल हो, अगर डी पॉजिटिव आ जाए, डिस्क्रिमिनेंट निकालने आता है ना, तो डी अगर पॉजिटिव आ जाता है तो हम क्या बोलते हैं कि उसका तो रूट होगा, और जिस जिस क्वाड्रेटिक का रूट है तो उसका फैक्टराइजेशन भी पॉसिबल है, चाहे रेशनल हो या इरेशनल हो। जैसे हो सकता है कि मान लो कि एक आ गया रूट टू और दूसरा आ गया रूट थ्री, या एक प्लस रूट टू दूसरा माइनस रूट टू, तो उसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, एक्स प्लस रूट टू इंटू एक्स माइनस रूट टू, ऐसा आएगा, ठीक है। तो इसका तो आसान है, ये तो एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन है फैक्टराइजेशन, क्या मिड टर्म स्प्लिट, एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन, क्या जाएगा, माइनस वन पहले आएगा टू बाद का, यहाँ पे निगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव तो कर ही लेते हो, अभी हमको कौन सा पोर्शन चाहिए, नेगेटिव ना, इस वाले इनइक्वालिटी से क्या चाहिए हमें, नेगेटिव, तो नेगेटिव तो इसी बीच में है ना, क्या इंटरवल भी ओपन, क्यों ओपन, क्योंकि सब में इनइक्वालिटी है, इक्वालिटी नहीं है, ऐसा रहता है तब ना हम क्लोज के बारे में सोचते हैं, ऐसा तो है नहीं, इसलिए हर जगह ओपन। लेकिन ये अभी अपना आंसर हुआ नहीं, हम आंसर इसको सजा दिए, इसको समझ लिए, अब इधर वाला पार्ट को समझते, माइनस टू को उधर लेके चले जाते हैं, तो क्या मिलेगा अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि माइनस टू उधर चला जाएगा तो ये ऐसे ही आएगा ना, इनइक्वालिटी में किसी को दिक्कत है क्या, ये वाला माइनस टू उधर गया, इधर तो जीरो बच गया, तो इस वाले पार्ट में जीरो बचा था, हम इसी को पहले, अगर इस वाले को पहले लिख देते इधर ही रहेगा ना ये ग्रेटर देन जीरो। तो अब इसके बारे में बोलो, क्या इसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, डिस्क्रिमिनेंट कितना है इसका, बी स्क्वायर यानी वन माइनस एट माइनस सेवन आ गया, डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया माइनस सेवन, तो निगेटिव आया तो इसका मतलब रियल रूट आएगा क्या, नहीं आएगा, जब किसी क्वाड्रेटिक का रियल रूट नहीं आता तो इसका मतलब उसका फैक्टराइजेशन भी नहीं होगा। मैंने तुम्हें वेवी कर्व में एक बार समझाया था कि जब फैक्टराइज नहीं हो पा रहा है तो हम क्या देखते हैं, उसको छोड़ देते हैं, बाकी जो बचा है उसी को देखते हैं, ऐसा समझाया है ना, जैसे मान लो कुछ टर्म आता है एक्स स्क्वायर प्लस फोर या एक्स स्क्वायर प्लस टू, फैक्टराइजेशन तो होगा नहीं, बस चेक करने के लिए हो जाता है, अब इसमें और दूसरा कोई टर्म है ही नहीं, बस यही है, तो एक्स का कोई भी वैल्यू रखो ये हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आ रहा है, आएगा ना, और पॉजिटिव कैसे आएगा वो भी समझाए हुए हैं, कैसे कि जिसका डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आ गया,
जिसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया उसका जो ए है पॉजिटिव आ जाए, ए मतलब क्या कोफिशियंट, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये क्वाड्रेटिक होता है ना, इसी का डिस्क्रिमिनेंट क्या आता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अगर डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है जो अभी हम देख रहे हैं माइनस सेवन आया, डिस्क्रिमिनेंट क्या आया है इसका माइनस सेवन, तो निगेटिव है। और ए अगर पॉजिटिव है, ए मतलब क्या एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट, इस जगह ए क्या है वन ना, इसके लिए ए का वैल्यू क्या है वन, वो क्या है पॉजिटिव है, वन तो पॉजिटिव होता है ना, इसमें चौंकने वाली तो बात है नहीं। तो अगर ए पॉजिटिव है डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है तो वो क्वाड्रेटिक का जो है हमेशा पॉजिटिव होगा, वो क्वाड्रेटिक क्या होगा हमेशा पॉजिटिव। कुछ भी वैल्यू रख के देखो, रियल जीरो रख के देखो, जीरो माइनस जीरो प्लस टू पॉजिटिव आया, वन रख के देखो वन माइनस वन प्लस टू पॉजिटिव आया, टू रख के देखो थ्री रख के देखो, कुछ भी रख के माइनस वन इवन रख के देखो तब भी क्या आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्लियर है, यानी कि एक्स के हर एक वैल्यू के लिए ये क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा, एक्स के हर एक वैल्यू के लिए पॉजिटिव आ जाएगा, ये बात समझा, एक्स के हर एक वैल्यू का मतलब समझा, एक्स का कोई ल्यू रखो यहाँ पे हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है जिससे हम कह दें कि टू इज ग्रेटर देन वन, क्या बात सही है ना, उसमें कुछ भी काटने वाली बात तो है नहीं, दो हमेशा वन से क्या होगा बड़ा होगा, जैसे मॉड एक्स ग्रेटर देन माइनस टू बोलते हैं तो हमेशा बड़ा होगा, माइनस टू छोटा होगा, है ना। तो उसी तरह एक्स का हर एक वैल्यू हमें तो क्या लेना है दोनों का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में जो छोटा वैल्यू होता है वही आंसर हो जाता है, क्योंकि इंटरसेक्शन कहने का मतलब ये हुआ, इंटरसेक्शन हम लोग कैसे लेते हैं तुम लोग को मैंने सिखाया होगा, ये था माइनस वन ये था टू और पहले ये वाला हमारा सॉल्यूशन आ रहा है, इस वाले केस से क्या आ रहा है ये वाला सॉल्यूशन आ रहा है माइनस वन और टू के बीच में, यही आ रहा है ना, बस इतना ही ना, माइनस वन और टू, दूसरा वाला क्या कह रहा है एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल नंबर तो ये पूरा हो जाता है ना, समझ में आया क्या, एक्स बिलोंग्स टू रियल, तो इंटरसेक्शन कौन सा आएगा बस इतना ही आएगा क्या, तो ये कौन सा इंटरवल है एक्स बिलोंग्स टू वन टू टू ओपन इंटरवल, ठीक है। तो बस इसी वैल्यू के लिए ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी जो मॉडुलस में दिया हुआ है सही है, इसके अलावा और कोई नंबर आएगा तो वो सही नहीं होगा। जैसे टू तक गए हैं, टू से आगे करके देखते हैं हम लोग, थ्री करके देखते हैं, थ्री पुट करो इसमें, थ्री स्क्वायर क्या हो जाएगा नाइन ना, नाइन माइनस थ्री कितना हो गया सिक्स, तो सिक्स लेस देन टू, बात सही है क्या, नहीं है ना, तो वही बताया कि टू के आगे जा नहीं सकता ना ही माइनस वन के पीछे जा सकता है कोई वैल्यू, माइनस वन और टू के बीच में रख के देखो, मान लो जीरो रखते हैं क्या जाएगा जीरो आ जाएगा, जीरो लेस देन टू, बात सही है ना, तो उसके बीच में ही कोई एक्स का वैल्यू होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा, इसके बाद या इससे पहले सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। हो गया नहीं हुआ है तुम्हारा ना, हो गया तुम पढ़ के आया था ईमानदारी से बोलना, तो तुम हाँ दो कितना दिन टाइम मिला, दो दिन ना, फ्राइडे सैटरडे पूरा आया था देख के, फिर क्वेश्चन बन क्यों नहीं रहा मॉडुलस का इससे पहले वाला, ये तो ठीक, ये तो समझाना था मुझे, तुम लोग जी
तुम तो अलग ही है, मतलब क्वेश्चन बनाने देते हैं कलम कॉपी छोड़ देता है। वो तो हम लिख दिए ना, आंसर बताता नहीं है। बना दिया तब तो बहुत अच्छी बात है, बना दिया तो बहुत अच्छी बात है, ट्राई कर रहा है तो वो भी अच्छी बात है, ट्राई करना अच्छी बात है। हम इस बात पे बोल रहे, हम देखते हैं कि जैसे क्वेश्चन दिए तुम कॉपी कलम छोड़ देता है। लिख लिया ना। देखो मॉडुलस का चैप्टर ही है एक, जब फंक्शन में पढ़ेंगे तो और भी बहुत सारा चीज है इसमें पढ़ना, तो बेसिक आइडिया था, उससे ज्यादा कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं, और बस थोड़ा सा एक एडवांसन है इसका, वो अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक ना, वो समय आएगा तो पढ़ेंगे जब फंक्शन पढ़ेंगे। तो एक क्वेश्चन इसी टाइप का हम लोग कर लेते हैं, अगर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन लेस देन वन रहा तो, ये क्वेश्चन अगर बना लिया तो समझ जाएंगे कि ये चीज समझ गया है ना इनइक्वालिटी, क्योंकि जो चीज ये है वही चीज ये है, ऐसा कुछ तो एक्स्ट्रा नहीं है। ओपन इंटरवल, आंसर बताओ जो लिखा हो सही है। तुम ग्रेटर देन जीरो कैसे किया और लेस देन जीरो कैसे किया, थर्ड स्टेप जो किया तो जीरो कैसे आया। इधर तो माइनस वन दिख रहा है, इधर वन दिख रहा है, तो जीरो कैसे आया। आया तुम्हारा कुछ नहीं आया तुम्हारा, जीरो टू वन इसका भी नहीं आया तुम्हारा। देखो अभी रुके हैं, जीरो टू वन, चलो देखो मॉडुलस है, सेम तरीका अपनाएंगे, पॉजिटिव नंबर है, लेस देन है, तो क्या हो जाएगा माइनस वन से वन, मॉड के अंदर की चीज क्या हो जाएगा माइनस वन से वन के बीच में हो जाएगा। तो यहां से क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन शुड बी लेस देन, मतलब माइनस वन शुड बी लेस देन दिस एंड दिस लेस देन वन, ऐसा लिखते हैं हम लोग, ठीक है। अब क्या करते हैं इसको दो पार्ट में कैसे ब्रेक करते हैं, तो मैं इस तरह से ब्रेक करते हैं ना, माइनस वन लेस देन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन लेस देन सी। यहाँ पे माइनस वन और वन है, जीरो थोड़ी है, ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी, जो है बस उतना ही लिखना है, दो पार्ट में ब्रेक करना है, जीरो कहाँ है ना। अब इसी को हम ब्रेक करेंगे, तो माइनस वन इधर है, ध्यान दो इधर, माइनस वन इधर है तो उधर जाएगा,
तो माइनस टू हो कितना हो जाएगा, प्लस टू हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ जीरो है, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, एंड यहाँ पे जब बात करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वन है, इधर आएगा तो क्या जाएगा, जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि ये भी प्लस वन ये भी वन, इधर आके क्या बना देगा, जीरो ना, सॉल्व करेंगे तो। अच्छा इसके बारे में देखो ये क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस टू ग्रेटर देन जीरो, इसका फैक्टराइज होगा क्या, नहीं होगा, फिर से वही वाला सीन आ गया ना, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस सेवन आ जाएगा, और ए पॉजिटिव है ही, हमेशा पॉजिटिव है, तो इसका मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू आर, ऐसा ही था फैक्टर। अब आ जाओ इसके लिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्या करते हो, एक्स कॉमन लेते हो क्या, तो एक्स का दो वैल्यू आएगा, कि जीरो और दूसरा वन, करोगे तो इधर निगेटिव आ जाएगा और इधर पॉजिटिव आ जाएगा, समझ रहे हो बात को ना। तो जैसे ही निगेटिव, हमको तो निगेटिव लेना है, जीरो टू वन, यहां से रियल और यहां से जीरो वन, फिर से एक नंबर लाइन पे देखेंगे तो बात यही आ जाएगा, जीरो टू वन ही आ जाएगा, ठीक है। इंटरसेक्शन जब लेंगे जीरो टू वन का इसके साथ, तो यही इंटरसेक्शन आएगा, एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल जीरो टू वन, ठीक है, ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस एक्स यहां तक आया, एक्स कॉमन लेंगे जैसे सॉल्व करते हैं, तो फिर ये न्यूमरेटर ही है ना, सिर्फ हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर का अलग रूट निकालते हैं, डिनोमिनेटर का अलग रूट निकालते थे वेविकर में, शुरुआत में पढ़ा था वेविकर, पढ़ा दिए थे तब ज्वाइन किया है तुम। अच्छा इसका रूट अलग निकालते हैं, रूट कैसे निकालते हैं, कि दो फैक्टर जैसे मान लो इक्वल टू जीरो करके, तो एक्स का वैल्यू एक जीरो आएगा, एक्स का वैल्यू एक वन आएगा, तो क्या गया, जीरो और वन, दो नंबर लाइन पे सजा दिए, जीरो पहले होगा वन बाद में होगा, क्योंकि नंबर लाइन पे छोटा पहले होता है बाद में बड़ा होता है। अब जीरो वन, वन के आगे कोई नंबर है, मान लो टू है, वन के आगे क्या है, टू, तो टू चेक करो इसमें, टू इंटू टू माइनस वन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा ना, वही चीज लिखते हैं पॉजिटिव, और एक बार जब पॉजिटिव आ गया तो बाद में क्या आएगा, निगेटिव फिर पॉजिटिव, अल्टरनेट करते हैं, अल्टरनेट कब करते हैं, जब ऑड टाइम्स ऑफ रूट आता है तो, और इवन टाइम्स रूट आएगा तो हम क्या करते हैं, जैसा है वैसा ही रख देते हैं, अल्टरनेट नहीं करते हैं, ठीक ना। इवन टाइम्स कहने का मतलब यही वन दो बार आया होगा, यानी फैक्टर दो रहा होगा, ठीक ना, ये सब समझाए हुए हैं, प्लस माइनस ये। तो अब हमें क्या लेना है, एक्स इंटू एक्स माइनस वन लेस देन जीरो, क्या लेना है, लेस देन जीरो, लेस देन जीरो मतलब निगेटिव, तो निगेटिव वाला पोर्सन कौन सा, इतना ही है ना, इधर तो पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, तो इसलिए हम लोग यहां से, और ये ओपन इंटरवल इसलिए देते हैं, जब लेस देन और इक्वल टू होता है तब हम क्लोज देते हैं, ठीक ना, इसको बोलते हैं क्लोज। क्लोज का मतलब क्या होता है, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल जीरो टू वन, इस तरह से बात होता है। बिग ब्रैकेट का मतलब क्या हो गया, क्लोज, और स्मॉल ब्रैकेट का मतलब ओपन। बिग ब्रैकेट क्लोज का मतलब जीरो और वन इंक्लूडेड है, और इसका मतलब जीरो और वन एक्सक्लूडेड है, मतलब जीरो वन नहीं है, जीरो और वन के बीच का सब नंबर है। ये क्या कह रहा है, जीरो और वन के बीच का नंबर भी है, और जीरो भी है, और वन भी है। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसे होगा, जीरो वन यहां से लेके यहां तक क्लोज इंटरवल, और इस तरह से लिखा जाएगा एक्स वन, और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा जीरो टू वन, यानी जीरो एक्स लेस देन वन, बस ये अंतर होता है, और उसके बाद इंटरसेक्शन लेते हैं। हो गया, नोट हो गया ये सब, उम्मीद है आप तो कर लोगे इस टाइप का, उम्मीद करें या नहीं कर ले, ठीक है, हो जाएगा, ठीक। जितना क्वेश्चन करवाते हैं ना, उतना अपने से करोगे ना तो कुछ कुछ सीख जाओगे। अभी इस बार नहीं हो रहा है मान लो, तो क्वेश्चन करोगे तो हो जाएगा, छोड़ दोगे तो नहीं होगा। अब छोटा सा चीज है, लेकिन आगे चल के ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जैसे मॉडुलस पढ़ते हैं उसी तरह ये भी है। सब फंक्शन का ही पार्ट है, लेकिन कभी कभी बीच बीच में तुमको देखने को मिलेगा तो उसी लिए बताना पड़ता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को कैसे लिखा जाता है, इस तरह से बिग ब्रैकेट, और इसमें एक ही नंबर रहता है, दो नंबर रह जाएगा कोमा से तो वो तो हो गया क्लोज इंटरवल, है ना, इसमें क्या होता है, एक ही नंबर होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, जैसे अगर मान लो हम लिख दिए 1.2, इसका मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.2, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है।
अब यही चीज अगर मैं ऐसे लिख देता 1,2, ये तो समझ ही रहे हो, ये है क्लोज इंटरवल 1,2, मतलब 1 से लेकर 2 के बीच के सारे नंबर इनफाइनाइट नंबर होंगे, यहाँ पे सिर्फ एक है, वो क्या है 1.2, उसी का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब इसका मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब ये होता है कि हमें 1.2 तक देखना है, 1.2 तक ही देखना है, वहां तक में सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा मिलता है, 1.2 तक में सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा मिलता है। तो 1.2 तक जाएंगे तो इंटीजर सबसे बड़ा क्या मिलेगा, 1 मिलेगा ना, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.2 का मतलब 1। इसको ऐसे भी देखा जाता है, ये 1 है, ये 2 है, 1.2 इसके बीच में होगा कहीं, होगा ना, 1.2 3 4 5 6 ऐसे करके 2 तक पहुंचा होगा वो। तो हमेशा कहां जाना होता है, लेफ्ट साइड में, हमेशा कहां जाना होता है, लेफ्ट। 1.2 तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर जहां तक वैल्यू है ना, वहां तक में, उससे आगे नहीं जाना है। ठीक ना, अगर फॉर एग्जांपल कोई बोल दे कि 1.999 राउंड ऑफ नहीं करने का, ऐसा नहीं कि राउंड ऑफ तो इसका 2 हो जाएगा, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर ये नहीं कहता है कि राउंड ऑफ करना है, तुम्हें कहता है 1.999 तक का सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है, क्योंकि 2 हो जाता तब तो 2 होता वैल्यू, लेकिन अभी 2 हुआ नहीं है, तो यहां तक में देखेंगे तो अब भी क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। समझ में आया क्या, मान लो यहाँ अगर 1.99 है इस तरह से, ये भी कहाँ जाएगा, लेफ्ट साइड में जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। वही ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 दे देगा तो एग्जैक्ट 2 ही हो जाएगा। तो अगर इंटीजर है, कोई इंटीजर है और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछा है, तो वहां तक पूछा जा रहा तो वही तो हो जाएगा ना सबसे बड़ा वैल्यू, तो इंटीजर है तो इंटीजर ही रह जाएगा, लेकिन फ्रैक्शन है तो इसका मतलब उससे पहले वाला, ठीक ना, उससे पहले वाला इंटीजर। तो इसी आधार पे तुम बता सकते हो कि -1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, सोच के थोड़ा सा सोच के, -1.2 तक का है ना, -2, ठीक, तो -1.2 क्या आ जाएगा, -2। अब देखो माइनस इसमें क्या फर्क पड़ा, -2 और -1, -1.2 यहां रहेगा, समझ में आया क्या, इससे पहले आ जाएगा -1.2 है ना, तो इससे पहले आएगा तो क्या आ जाएगा, ये वाला लेफ्ट साइड -2, ठीक है। उसी तरह -3.2 रहा तो -4 हो जाएगा उससे पहले वाला, है ना, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जब भी तुम्हें दिख रहा है तो इसका क्या मतलब है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर इंटीजर का निकाल रहे हैं तो इंटीजर ही हो जाएगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। -5 है तो -5 ही होगा, लेकिन फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन तक का जो इंटीजर, यानी उससे पहले वाला इंटीजर, उससे जस्ट पहले वाला इंटीजर, वही हो जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये सारे एग्जांपल्स तुम्हें समझने के लिए है, ये जरूर बनाना, उससे पहले वाला सारे एग्जांपल्स तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। सारे एग्जांपल्स पहले बना लो, बना तो लिया होगा, तुमसे तो पूछना नहीं है, तुम भी हो गया क्या, तुम भी उसी लिस्ट में शामिल आ गया क्या, बहुत कुछ हम लिखे हैं, तुम कहाँ लिखा है, उतना सारा लिख लिया ना, 1.9 कहाँ लिखा है, 99 बनाया कहाँ है, तो बनाओ वो। एग्जाम्पल सारा लिख लिया ना, मान लो डिफिनेशन अगर कोई लिखने के लिए बोलता है तो y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक ना, ये वाला फंक्शन है। फंक्शन अभी तक जो मैंने बताया, तो फंक्शन में कुछ इनपुट डालते हैं तो उधर से क्या निकलता है, आउटपुट निकलता है, जैसे x का वैल्यू बदलेंगे यहां भी वैल्यू बदलेगा, वही चीज है, इनपुट एंड देन आउटपुट। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिफाइन कैसे किया जाएगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा ये क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का मतलब क्या हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। तो इक्वल टू कब होगा, जब एक्स इंटीजर हो, और लेस देन कब होगा, जब एक्स फ्रैक्शन हो, है ना।
तो इतना ही हमें समझना है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि ये तो पूरा ये है। तो प्रॉपर्टीज जैसे मान लो अगर हम लिख रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का वैल्यू वन है, सपोज करो अभी एग्जांपल से ही चल समझा रहे हैं तुम लोगों को, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का वैल्यू वन है अभी इस बार हम बोल रहे हैं, तो एक्स क्या हो सकता है, ये लिख तो लिया है ना। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू 1 है तो x कहां से कहां तक हो सकता है या x का वैल्यू क्या हो सकता है? जैसे हमने बताया था ना मॉडुलस में, अगर मॉड x इक्वल टू 2 रहा तो x का वैल्यू प्लस माइनस 2 बताया था, उसी तरह ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अगर 1 है तो x कहां से कहां तक होगा? 2 ओपन इंटरवल, ठीक, 1 से लेकर 1.99 जो था उसी टाइप का, तो उसमें तो और भी चीज आ जाता है ना, इसलिए हम कैसे लिखते हैं, तो दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू 1 to 2, 2 पे ओपन इंटरवल, 1 पे क्लोज इंटरवल। क्या ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको, 1 लेस देन इक्वल टू एक्स और लेस देन 2, एक्स जब भी 2 से छोटा होगा, 2 से छोटा अब जितना भी हो सकता है, 1.999 जितना भी 9 लगा लो, ठीक है, तो सब 2 से क्या है, छोटा है। ये ओपन का मतलब क्या हो गया, एग्जैक्ट 2 नहीं है, 2 से क्या है, छोटा है ना। तो इसके बीच में जब भी रहेगा कोई भी नंबर, यहाँ तो क्लोज है, क्लोज यहाँ पे क्यों दी है, क्योंकि 1 का क्लोज जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो एग्जैक्ट 1 हो ही जाएगा ना इसलिए, लेकिन 2 अगर दे देते क्लोज इंटरवल तो उसका तो 2 हो जाएगा, 1 तो नहीं होगा, है ना। तो यानी कि 1 से लेके इसके बीच का कोई भी नंबर होगा और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कोई निकालेगा तो वो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज बहुत है, ठीक है, लिखते जाओ, उसमें से कुछ प्रॉपर्टी लोग जानेंगे क्या है नहीं है। हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, या तो x के बराबर होगा या नहीं तो x माइनस 1 से बड़ा होगा, ऐसा हमें सोच के चलना है हमेशा, ठीक ना। अगर मान लो ऐसा दिया है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 से बड़ा है, इन्फिनिटी, ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू कहां से कहां तक चला जाएगा? अब ये तो हमेशा इंटीजर वैल्यू देगा ना, जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर लग गया इसका मतलब वो हमेशा क्या देगा वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यू देगा, चाहे उसमें फ्रैक्शन डालो या इंटीजर डालो आउटपुट तो देगा इंटीग्रल वैल्यू। तो अगर हम कह रहे हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 से ज्यादा है, हम क्या कह रहे हैं, 1 से ज्यादा, 1 से ज्यादा कौन सा इंटीग्रल वैल्यू मिलेगा, 2 ही ना, इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू या तो 2 होगा यानी तो 2 से बड़ा होगा, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही होता चला जाएगा ना, समझ में आया क्या। तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 2, 3, 4, 5 ऐसे होता जाएगा तो x क्या रहा होगा, 2 से इन्फिनिटी रहा होगा, समझ में आया क्या, 2 से इन्फिनिटी है ना। तो यहां से हम ऐसा बोल सकते हैं क्या सर, x ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 2 ले लेते हैं तो सेटिस्फाई कर जाएगा इसको, इक्वल टू 2 कैसे, तो सर 2 रख भी देंगे x का वैल्यू तभी तो 2 आएगा, जो कि 1 से क्या है, बड़ा ही है ना, 2 से आगे कोई नंबर 2.3 ले लो तब भी 2 आएगा, 1 से बड़ा है, 2 से आगे 3 ले लो 3 आएगा, 1 से बड़ा है, इस तरह से है ना। ये सब सारे एग्जांपल्स हैं और प्रॉपर्टी है, लेकिन उसको हम कैसे समझा रहे हैं तुम लोग को एग्जाम्पल से, ताकि तुम्हें नंबर का वैल्यू याद रहे। अच्छा, इसका ग्राफ भी देख ही लो, बस देख लो, है ना। मान लो y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, इसको ब्रेक कैसे करेंगे, डायरेक्ट ग्राफ तो बनेगा नहीं, क्योंकि हमें y और x में चाहिए होता है। तो हम काम क्या करते हैं कि y इक्वल टू लिखते हैं क्या, जब x 0 से 1 के बीच में हो तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा क्या, सोच के बताओ। x अगर 0 से 1 है ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा, नहीं, 0 और 1 के बीच में कोई भी नंबर रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और 0 किसके बराबर हो जाएगा, y के बराबर ना, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसी तरह अगर हम x 1 से 2 के बीच में रखते हैं तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 ना, ऐसा हो जाएगा। तो 0 और 1 के बीच में x, समझना इसको थोड़ा सा, बस एक बार देख लो, समझाने की कोशिश तो कर ही रहे, बस एक बार देख लो, 0 टू 1 x का वैल्यू क्या है,
जीरो टू वन, मान लो ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ऐसे ही सोचते हैं हम लोग, माइनस वन माइनस टू ऐसे ही बनाते हैं। तो जीरो से वन जब जब तक जीरो से वन एक्स है तो वाई क्या है, जीरो। अच्छा वाई जीरो का मतलब कौन सा लाइन हो जाता है, एक्स एक्सिस ही हो जाता है, वाई का वैल्यू जीरो कहां पे मिलता है, एक्स एक्सिस पे ही मिलता है। तो एक्स कहां से कहां तक है जो वाई जीरो हुआ है, एक्स जीरो से वन तक है तब वाई जीरो हुआ है, और वन पे कैसा इंटरवल है ओपन, और जीरो पे कैसा इंटरवल है। तो जीरो यहाँ पे कैसे आता है इसका ग्राफ इस तरह से, और यहाँ पे कैसा बन जाता है ना, x एक्सिस ही लाइन होता है ना, लेकिन y इक्वल टू जीरो हमेशा है क्या, नहीं। कब तक है, जब x जीरो से वन तक है, जब x जीरो से वन तक है तभी y का वैल्यू क्या रहा है, जीरो रहा है, इसलिए हमने बस इतना ही लाइन लिया है, ठीक है। अब देखो जब x वन से टू है, x कहां तक है, वन से टू, तो वन से टू x का वैल्यू तो ये है, इस समय y क्या कर रहा है, तो y का वैल्यू कितना है, वन, इस समय y का वैल्यू वन। अच्छा y का वैल्यू जीरो है तो y का वैल्यू वन रहा होगा यहां ना कुछ, ये लाइन, ये बात समझ रहे हो क्या, y इज इक्वल टू वन तो ये लाइन है, लेकिन y इज इक्वल टू वन का लाइन का कौन सा हिस्सा हमारे इसके पार्ट का है, वन से टू, तो यानी कि वन से टू ये वाला लाइन के बीच में जो आएगा वही होगा ना, ये बात समझा क्या। और कैसा कैसा इंटरवल, वन पे कैसा इंटरवल, क्लोज ना, यहाँ पे क्लोज, और टू पे ओपन, यहाँ पे ओपन, समझ गया ये बात, इस बात को। जब एक्स वन से टू होगा तो वाई कहां से कहां तक होगा, तो वन ही रहेगा, वाई का वैल्यू तो हमेशा क्या आएगा, वन आएगा जब इसके बीच में रहेगा। तो जैसे वन मान लो कि वन ले लिया, एग्जैक्ट वन ले लिया एक्स का वैल्यू, एग्जैक्ट वन तो यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो ओपन है, एग्जैक्ट वन यहाँ मिल रहा है, वन मिल रहा है, मान लो 1.5 ले लिया, 1.5 तो यहाँ रहेगा, 1.5 पे वाई का वैल्यू क्या मिलना चाहिए, वन, जो कि मिल रहा है, ठीक ना। जैसे टू ले लिया तो टू पे तो टू मिले, जो कि यहाँ पे हमने क्या रखा, ओपन रखा है, तो आगे जब तुम चलोगे ना टू से थ्री, इसी तरह क्या मिलेगा, टू मिलेगा, तो यहाँ पे क्लोज और थ्री तक जाएगा ओपन, फिर आगे बढ़ोगे यहाँ से ऐसे जाएगा, क्लियर है, समझ पा रहे हो। उसी तरह इधर आओगे तो क्या मिलेगा, तुम्हें नीचे मिलता चला जाएगा, क्यों नीचे मिलेगा, तुम जैसे ही निगेटिव में आओगे, मान लो माइनस 0.5 तो उसका वैल्यू क्या आएगा, माइनस वन ना, तो माइनस वन कहाँ मिलेगा, नीचे मिलेगा, समझ में आया क्या। हाँ, तो इसको बोलते हैं स्टेप अप फंक्शन, स्टेप अप, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या स्टेप अप फंक्शन, ठीक है, इस तरह से बढ़ते जाएगा। बस एक बार देख लो, तुम्हारे ग्राफ का हिस्सा ये है, ये है, ये है, ये चीज दिखाना जरूरी है, वन से टू के बीच में ये लाइन है, टू से थ्री के बीच में ये लाइन है, ओपन कहाँ है, क्लोज कहाँ है, यही चीज मेन है इसका, ठीक है, हटाओ तो। हाँ, अब तो हद हो गया, तुम हद कर दिया, इतना जल्दी कैसे लिख लिया तुम, समझा ना, ठीक, मैं दिए है ना, यहाँ पे ओपन होगा, नहीं लग रहा है क्या ओपन है, फिर यहाँ पे माइनस टू आएगा तो ये ओपन होगा, यहाँ पे क्लोज होगा, यानी लेफ्ट साइड में क्लोज, राइट साइड में ओपन रहेगा, अभी जो बना ये भी बना लिया क्या तो बनाओ उसको, ठीक है, नोट कर लिया। अभी जितना हमने पढ़ा ना, एक्सपोनेंशियल, मॉडुलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये सारे के सारे पार्ट हैं फंक्शंस के, और ये फिर से एक बार दोहराया जाएगा जब हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे, दोहराया जाएगा मतलब बेसिक तो थोड़ा थोड़ा हम लोग पता है, लेकिन इसका क्वेश्चंस, मॉडुलस का भी क्वेश्चन हमने बस
वही चुन चुन के मतलब करवाया, छोटे छोटे क्वेश्चन जो यहाँ पे तुम समझ सकते हो, लेकिन मॉडुलस बस इतना नहीं है। मॉडुलस बहुत आगे का चीज है ना, उसमें करेंगे केस लेके, केस 1, 2, 3, 4 मतलब इस तरह से केस जाता है, बहुत सारा केस जाता है, इंटरसेक्शन वगैरह ये सब लेना होता है, तो हम लोग वहां देखेंगे, ठीक ना। अभी जब तुम्हारे सामने मॉडुलस आए तो तुम्हें बस इतना समझ में आना चाहिए कि मॉडुलस को ब्रेक कैसे करते हैं। मॉड के अंदर कोई भी चीज दिख जाए तो मॉड का दो पार्ट होता है, एक तो उसके अंदर की चीजें अगर पॉजिटिव हो तो मॉड हटा देंगे, और निगेटिव हो तो माइनस के साथ आएगा। बस इतना ही काम करके क्या पूरा मॉडुलस वाला हम लोग फंक्शन में पढ़ेंगे, वो 12th वाला पार्ट हो जाएगा। अभी तो हम लोग को बहुत सारा चीज पढ़ना है। फंक्शन स्टार्ट होता है, हमको लगता है जब लगभग 5-6 महीना हो जाएगा तभी जाके वो स्टार्ट होगा। इधर से तुम्हारा ये सारा टॉपिक जो बताए थे, जैसे अभी तो बेसिक ही चल रहा है, फिर सेट वगैरह चलेगा, सेट रिलेशन है ना, उसके बाद तुम्हारा चलेगा ट्रिगोनोमेट्री, अच्छा दिन ट्रिगोनोमेट्री चलता है, फिर क्वाड्रेटिक आएगा, फिर सिक्वेंस सीरीज आएगा, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, मियल आएगा, परमुटेशन कम्बिनेशन आएगा, इतना अलजेब्रा का पार्ट इधर से होगा, उधर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, ये सब चलेगा। तो इतना होने के बाद जाके फिर फंक्शन स्टार्ट होता है, ठीक है। अब वो फंक्शंस का जैसे अभी पढ़ा रहे हैं थोड़ा, तो बस उतना ही है वो फंक्शन, मतलब जो है ना छोटा सा इंट्रो है, मेन फंक्शन तो आगे जाके ही है। हाँ, बेसिक में अभी लॉगरिथमिक तुम लोग को नहीं बताया, लॉगरिथमिक में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लॉगरिथमिक के बाद सेट एंड रिलेशन, वही तुम्हारा एनसीईआरटी वाला जो चैप्टर है वहां से स्टार्ट हो जाएगा, जो तुम्हारे बुक में अभी बुक वगैरह में तुम्हें ये सब चीज नहीं देखने को मिलेगा, है ना। शुरुआत में जो है जैसे होता है ना चैप्टर वाइज, तो चैप्टर वाइज तुम्हारा अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सारे चैप्टर्स का चीज तुम्हारे सामने आ चुका है, बहुत सारे चैप्टर्स का। जैसे तुमको मैंने कॉम्प्लेक्स का भी थोड़ा सा आइडिया दे दिया था, आई क्या होता है, आई को कैसे क्या करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, एक्सपोनेंशियल क्या होता है, लॉगरिथमिक अभी समझेंगे, एक्सपोनेंशियल समझ गए, मॉडुलस क्या होता है ना, ये सब चीज हम समझ चुके हैं। तो चैप्टर जो स्टार्ट है वो सेट से है, तो चैप्टर वाइज जो तुम्हारा आएगा ना वो सेट से आ जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, प्लेट तो कराना हाथ में अपने रहता है ना, तुम लोग कितना कर पाते, तुम अभी तक में हो गया रहता ये अभी तक, जैसे सर आपका साउंड नहीं आ रहा है, अभी तो नहीं है। सर साउंड नहीं आ रहा है। सर साउंड नहीं है अभी तक। नो सर साउंड नहीं आ रहा है।